हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पकड़ी नकली घी बनाने की फैक्ट्री, तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली घी और पैकिंग उपकरण जब्त। महानगर की मंडोर पुलिस ने एक मकान में चल रही नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने वहां पर दबिश देकर तीन जनों को गिरफ्तार कर नकली घी व पैकिंग उपकरण जब्त किए हैं। मंडोर थाना अधिकारी दिलीप कुमार खदाब ने बताया कि मुखबिर व कंपनी गुड हेल्थ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के प्रतिनिधि राहुल सिंह से सूचना मिली कि सुरपुरा गांव में महेश देवड़ा के घर डेरी बेस्ट घी ब्रांड से नकली घी तैयार हो रहा है। इस पर महेश देवड़ा के घर पुलिस ने दबिश दी, तब वहां तीन जने उपकरण के साथ नकली घी के डब्बे पैक कर रहे थे। वहीं चौथा शख्स पुलिस को देखते ही फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। मौके से पुलिस ने पिपाड़ निवासी जवरीलाल विशोई, नया बास मंडोर निवासी जितेंद्र माली व सुरेश को गिरफ्तार किया। तीनों जने असली घी डेरी बेस्ट ब्रांड के डिब्बों को खाली कर भट्टी पर गर्म कर प्राइड पाम ऑयल के साथ मिलाकर मिलावटी घी के डिब्बे भर रहे थे। मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर ने घी को नकली बताया। पुलिस ने 253 डब्बे असली पाम ऑयल व मिलावटी घी व लाल ढक्कन, गैस टंकी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पैकिंग मशीन आदि जब्त किए। आज दोपहर पूर्व जरिए मुखबिर खास इतला मिली कि सुरपुरा ग्राम में महेश देवड़ा नाम के व्यक्ति के घर में नकली घी की फैक्ट्री है और वहां पर नकली घी बनाने का काम चल रहा है। इतला पर थाने से श्री मावर सिंह जी सब इंस्पेक्टर में जाब्ते के उनको भेजा गया वहां पर और तस्दीक हुई और वहां पर भारी मात्रा में ये नकली घी बनाने का सामान और टीम के डब्बे और सामग्री थी और सारे तरह के इसको बनाने के उपकरण भी मिले। नकली घी की फैक्ट्री को वहां पर एक कंपनी की शिकायत पर, डेरी बेस्ट नाम की कंपनी है, उसके प्रतिनिधि ने वहां पर शिकायत की और जिस पर बरामदगी की कार्रवाई जारी है और जो भी है दोषियों के खिलाफ खाद्य अभिषण निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रेडमार्क और अन्य धाराओं में भी जो भी सक्षम विधिक प्रावधान होंगे उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।